हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये ब्यूटीफुल सी 10 मिनट में बनने वाली ये आसान सी कुर्ती जो कि आप समर में पहन सकते हैं, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है और इस तरह की कॉटन कुर्तियाँ मिल जाती हैं तो मज़ा ही आ जाती है यार घर पे। तो आप चाहे तो इस तरीके से बना सकते हैं। एंड मैंने ये 3 मीटर फैब्रिक लिया है और क्योंकि मैं थोड़ी लंबी हूँ तो मुझे ज़्यादा ही फैब्रिक लगेगा। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं या फिर 3 मीटर भी ले सकते हैं तो आपका जो फ्लेयर बनेगा वो थोड़ा ज़्यादा बनेगा। तो इस तरीके से मैं अपनी एक पुरानी कुर्ती को इस तरीके से रख कर यहाँ पर मेज़र कर लूँगी और मार्क कर लूँगी। और जैसे कि आपने देखा, मैंने पहले 4 फोल्ड किया है, तो इस तरीके से आपको 4 फोल्ड करके और अपनी कोई भी फिटेड कुर्ती रख कर इस तरीके से आपको मार्क कर लेना है और एक्स्ट्रा आपको सीम अलाउंस के लिए छोड़ देना है, जैसे कि मैंने छोड़ा है। दो इंच आप छोड़ सकते हैं। इस तरीके से मैंने मार्क कर लिए हैं। यहाँ पर उसका नेक बहुत ज़्यादा ही बंद था तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा नेक को बड़ा कर रही हूँ, उसकी विड्थ जो होती है एंड लेंथ, तो इस तरीके से मैंने बड़ा कर लिया है। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एंड यहाँ पर हम अपना आर्म होल क्रिएट करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर 2-2 इंच पे मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा ऊपर का ब्लाउज वाला जो पोर्शन होता है वो रेडी हो जाएगा। एंड अब यहाँ पर हम केयरफुली कट कर लेंगे। पहले हमने बैक का जो हमारा निशान था वो कट किया, फिर उसके बाद बैक का पोर्शन निकाल कर फ्रंट कट करना है। ये हमारा कंप्लीट हो गया फ्रंट पार्ट। एंड ये जो हमारा फैब्रिक बचा है इससे हम अपना फ्लेयर जो नीचे का होगा वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपने कुर्ती तो देख ही ली है कैसी है, तो फ्रंट के नेक में मैंने थोड़ी सी रफल्स ऐड की है, आई थिंक 3 इंच या 4 इंच की। तो इस तरीके से आपको अपने हिसाब से जितनी बड़ी आपको रफल्स लगानी है तो इस तरीके से आप कट कर सकते हैं। और मैंने ये कट कर लिया है इस तरीके से अपने हिसाब से, तो आप ऐसे कर सकते हैं। एंड आप यहाँ पर फ्रंट और बैक में डार्ट भी डाल सकते हैं, तो डार्ट डालने से क्या होता है थोड़ी सी फिटिंग रहती है वरना थोड़ा सा लूज़ रहेगा। तो अब मैं यहाँ पर मशीन पे आ गई हूँ और यहाँ पर हम अपनी नेक से सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने 2 पट्टी कट की थी ना, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको फोल्ड कर लेना है सबसे पहले, नीचे का जो हमारा एरिया होगा इसका उसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद हमारी दोनों ये जो हमारा फैब्रिक हमने निकाला है 4-4 इंच का, उसको इस तरीके से नेक में हमें प्लीट्स देना है और प्लीट्स देकर अटैच करनी है 1/2 इंच सेम अलाउंस लगा कर। ठीक है, इस तरीके से देखिए मैंने लगा लिया है यहाँ पर, और हम इसको सीधी साइड फोल्ड कर लेंगे। मैंने बैक साइड से लगाया था और फ्रंट साइड में इसको फोल्ड कर लेना है। बहुत ही ईजी तरीके से नेक बन जाएगा इसका, बहुत ज़्यादा कोई झमेला भी नहीं है इसमें। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, हमें यहाँ पर थोड़ी थोड़ी से कट्स लगाने हैं ताकि हमारा जो नेक है वो अच्छे से सेट हो जाएगा इससे।
पे आपको लगा लेना है। एंड यहाँ पर मेरे पास घर पर ये छोटी सी इतनी सी लेस पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना इसका भी यूज़ कर ली, तो मैंने नेक पर इसे अटैच कर दिया है। अगर आप चाहें तो आप भी इस तरह से कुछ लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से नेक को छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बैक के गले को फिनिश करने के लिए ये बायस पट्टी कट कर ली है। बायस पट्टी आपको पता ही होगा, फैब्रिक को टेढ़ा रख कर कट करते हैं, मतलब टेढ़ा टेढ़ा कट करते हैं क्रॉस में। तो इस तरीके से मैंने ये कट कर लिया है, और यहाँ पर डबल फोर करके यहाँ पर जॉइन कर देंगे बैक के नेक में फ्रंट साइड से। एंड इस तरीके से कट लगा कर आपको फोल्ड कर देना है, बहुत ही ईजी। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद हमारा जो फ्रंट और बैक में जो डार्ट हमने लगाया था ना, उस डार्ट को भी लगा लेना है हमें। ओके, तो ये डार्ट हमने लगा लिया है फ्रंट एंड बैक में। एंड हमने शोल्डर भी ज्वाइन कर लिया है, फ्रंट और बैक को मिलाकर शोल्डर ज्वाइन करना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स कट करना मैं पहले बताना भूल गई, एक्चुअली हुआ क्या, फैब्रिक थोड़ा कम था तो मुझे फैब्रिक में जॉइंट लगाने थे। तो देखिए, जैसे कि मैंने बीच में यहाँ पर जॉइंट भी लगाया हुआ है, क्योंकि स्लीव्स मुझे थोड़ी सी लंबी चाहिए थी, तो इतना फैब्रिक था नहीं, तो मैंने यहाँ पर जॉइंट लगा दिया है। एंड इस तरीके से मैंने देखिए मेज़र भी किया है अपने आर्म होल को क्रॉस में रख कर, और यहाँ पर लेंथ ले लेंगे, और जो हमने क्रॉस में रख कर मेज़रमेंट निकाला था वो रखना है। एंड ये हमारा जो हमारी नेक की जो विथ होगी, अरे सॉरी, स्लीव की जो विथ होगी वो मेज़र करना है। और यहाँ पर ऊपर से नीचे 3 इंच रखकर आपको क्रॉस लाइन बना लेनी है। फिर हमारा जो नीचे का जो बॉटम वाला एरिया होगा, हमारे स्लीव का बॉटम जो होगा, उसको क्रॉस कर लेना है, और यहाँ पर आर्म होल का शेप दे देना है। ये हो गई हमारी स्लीव कंप्लीट, और यहाँ पर हम कट कर लेंगे। ज्वाइन करेंगे, तो यहाँ पर मैं मशीन पे आ गई हूँ, और नीचे का हमारा जो साइड होगा स्लीव्स का, वो हम सारा फोल्ड कर लेंगे और आर्म होल को अटैच कर देंगे, और हमारी साइड की स्लीव अलाउंस वन साइड से क्लोज कर देंगे। ओके, तो ये मैंने क्लोज कर दिया है। फिर उसके बाद हम अपना फ्लेयर अटैच करेंगे। तो ये फ्लेयर वाला कपड़ा है, इस तरीके से हम अपने हमारा जो ब्लाउज वाला पोर्शन रेडी हुआ है उसके ऊपर सीधी साइड से रख कर, और हम इस तरीके से बॉक्स प्लीट्स क्रिएट करेंगे। तो देखिए, ये मैंने सारे में लगा लिया है। ओके, और ये वन साइड से पूरा क्लोज भी है और वन साइड से ये ओपन है। तो हमें पूरा हमारा जो फ्लेयर अटैच हो जाएगा, तो हम ऊपर से नीचे तक साथ में स्टिच कर देंगे। तो ये रहा फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।